हाँ जी प्लस वन क्लास, अज आप जरा थर्ड टाइप ऑफ फोर्स आ कर लगे हैं वो हैगी इलैक्ट्रोमैगनैटिक फोर्स। एज द नेम सुजैसट इलैक्ट्रो मीनस इलैक्ट्रिक फोर्स, मैगनैटिक मीनस मैगनैटिक फोर्स, के जो तो दोनों मिल के काम करते हैं उन्होंने इलैक्ट्रोमैगनैटिक फोर्स कहा जाता वा। हुण की आ कल आप जिहड़ियां मास वालियां कीतियां सीगियां कि फोर्स हुंदियां ने ग्रैविटेशनल फोर्स करियां सीगियां, अज की आ चार्ज दे नाल रिलेटड भी फोर्सिज हुंदियां ने उन्हां नूं की किते द्वारा फाइंड आउट किया गया सी, कूलम दे द्वारा फाइंड आउट किया गया सी कि उन्होंने भी उही लिता कि जिहड़े चार्ज हुंदे ने, दो चार्ज है कि एक क्यू वन एक क्यू टू, दोनों एक पॉजिटिव एक नैगेटिव भी हो सकता, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते, मतलब कि अट्रैक्टिव नेचर के भी हो सकते हैं तो यह रिपल्सिव नेचर के भी हो सकते हैं। जो इन फोर्स डिवेलप करती है तो डायरैक्टली प्रपोर्शनल होंगी है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जिस, कि जेडे चार्जिस आ उन्हों की प्रोडक्ट के बराबर होंगी है, तो जेडे इन्हों का डिस्टेंस वो इनवर्सली प्रपोर्शनल हो गया स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टीकल। तो इतने प्रपोर्शनैलिटी हटाने के लिए फोर्स इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught, ये एक कॉन्सटेंट हो गया क्यू वन क्यू टू अपॉन आर दी स्केयर है सच लग जाना। प्रपोर्शनैलिटी का साइन हैगा एपसाइलन नॉट, एपसाइलन नॉट की वैल्यू तो लिखी हुई 8.854 × 10⁻¹² कूलम की 2 N·1 m की −2, ठीक है जी। तो इनू कहा कि जाता वा एबसोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिस तरह कल भी आप करा से जी की वैल्यू लिखी से ग्रैविटेशनल कॉन्सटेंट की, उस तरह आप एबसोल्यूट परमिटिविटी की जी वैल्यू वह लिख लेनी है। एग्जाम्पल के तौर पर कि हूँ यह इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस किस तरह प्रोड्यूस हुई किस तरह काम करते हैं वो बारे दस्या हुआ। जो आप कंघे की तो ड्राई हेयर की गल करते हैं कि सुके वाल है तो कंघा हैगा वो की है चार्ज प्रोड्यूस करता, चार्ज कादे करके प्रोड्यूस करता जी फोर्स डिवेलप होंगी है। हुण फोर्स कि डिवेलप कि करके डिवेलप होंगी है फ्रिक्शन के करके, कि जे हुण की आ कंघे के वालों के रगड़ सी वो फोर्स हो गया, फोर्स ने अगों की प्रोड्यूस कर दिता चार्ज, तो चार्ज जो प्रोड्यूस हो गया चाहे असी कोई पीस ऑफ पेपर लैके आने या कोई भी बैडशीट वगैरह होंगी है वह भी की हो जाती ने अट्रैक्ट कर जाती ने एक दूसरे के वाल, ठीक है जी। उस तो अगे आ गया कि जिहड़े स्टैटिक चार्ज ने वो किसी भी तरह की कोई भी मैगनैटिक फील्ड वो डिवेलप नहीं करते हैं, पर जदों चार्ज मूव करते हैं उदों की है मैगनैटिक फील्ड भी डिवेलप आ जी वह कर जाती है। कहिंदे ईच चार्ज मूविंग इनसाइड द मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस द अदर फोर्स कॉल्ड इलैक्ट्रोमैगनैटिक फोर्स, कि हरेक जिहड़ा चार्ज आ अंदर मूव करता वा मैगनैटिक फील्ड दे तो उन्हें एक की आ फोर्स एक्सपीरियंस कर देनी है, फोर्स दे देनी है, उस फोर्स में असं की कह दें फिर इलैक्ट्रोमैगनैटिक फोर्स। कि इलैक्ट्रिक फील्ड दे करके या इलैक्ट्रिक चार्ज दे करके इलैक्ट्रोस्टैटिक दे करके मैगनेट के जो वह मूव कर लग जाता दैन के फोर्सिस डिवेलप हो जाते हैं उन्होंने इलैक्ट्रोमैगनैटिक फोर्सिस वो कहा जाता। दैन आ गई प्रॉपर्टीज़ के इनवर्स स्केयर लॉ फॉलो करते उपरों आ गया। हुण सैकेंड अट्रैक्टिव और नेचर के जेडे चार अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर के चार्ज पॉजिटिव नैगेटिव उतों हो जूगा कि लाइक पोल वांगू। लोंग रेंज फोर्सिस के बहुत दूर तक जा सकते हैं, मेन पार्टिकल्स केड़े है इन्होंने फोटोनस है अट्रैक्टिव तो रिपल्सिव नेचर आता की हो जाते हैं वो स्ट्रोंगर फोर्सिस हो जाए ने। लास्ट हैगा कंजरवेटिव फोर्स, कंजरवेटिव फोर्स आप कहने जिम्मे सेम रहा ने सारे कितने, जे एक पर्टिकुलर काम करने तो बाद उन्होंने वर्क डन की हो जाता जीरो हो जाता, उन्होंने असं की कह दें कंजरवेटिव फोर्सिस। लास्ट टाइप ऑफ फोर्सिस आ गए ने न्यूकलीयर फोर्सिस, जिहड़ियां इनसाइड द न्यूकलीयस डिवेलप कर जांदियां ने उन्होंने न्यूकलीयर फोर्सिस कहा जाता वा। ये रिस्पोंसिबल होंदियां ने, रिस्पोंसिबल मतलब कि जिवें आप कहने इलैक्ट्रॉन के प्रोटोन की आपस इंटरैक्शन करवाउणियां, सेम उस तरह एग्जाम्पल के तौर पर कि जिहड़े मीजोनस हो गए बेरियोनस हो गए इन्हां दे विच इंटरैक्शनस करवाउणियां ने विद इन द न्यूकलीयस, जिहड़ियां इंटरैक्शनस करवाउणियां ने उन्होंने किहड़ियां कह दिंदे ने न्यूकलीयर फोर्सिस। हुण प्रॉपर्टी दे विच की हो सकता कि यह अंदर हुंदियां ने न्यूकलीयस दे विच हुंदियां, न्यूकलीयस दा साइज़ बहुत छोटा हुंदा इस करके की हैगियां ने फिर शॉर्ट रेंज फोर्सिस। नैक्सट आ गया प्रॉपर्टीज़ की है ने ये भी वेरी करते हैं इनवर्सली विद हायर डिस्टेंस, के हायर पावर ऑफ डिस्टेंस तक ये जो जाए ने तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए ने, हमेशा की हो जाएगी ये अट्रैक्टिव ही होगी विद इन द न्यूकलीयस होंगे शॉर्ट रेंज होंगे ने। मीजोनस ने जोड़े वो ये फील्ड पार्टिकल होंगे ने लास्ट के थोड़े थोड़ी जगह के होंगे तो करके फोर्सिस कि हो जाए ने स्ट्रोंगेस्ट फोर्सिस। विद दिस वी आर कंप्लीटेड अवर फोर टाइप ऑफ फोर्सिस।